इसको जो है यहाँ पर जो कहा गया है कि विवाह की रेखा, छात्रों में का अक्सर ये प्रश्न होता है कि हृदय के अत्यंत नजदीक भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, लेकिन फिर हृदय रेखा की सहायक रेखा विवाह रेखा के को पिता या भाई बहन की रेखा क्यों नहीं मानते? अरे कैसे मानेंगे भाई, कैसे मानेंगे? हृदय के खून से रिलेशन रहता है भाई बहनों का, माता पिता का, ये ब्लड रिलेशन मंगल है। हृदय से हमेशा, हृदय से दिल का कनेक्शन किससे बनता है? जो आपका प्रेमी होता है या जिसके साथ आपका प्रेम व्यवहार रहता है, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा लाइफ पार्टनर। विवाह रेखा बुध पर्वत पर होती है और बुध पर्वत विवेक और चालिका का द्योतक होता है, मतलब कि ये बुद्धि के कारक का भी होता है, ये उस अवचेतन मन का भी कारक होता है जहां पर आप किसी के लिए एक स्पेशल जगह रखते हैं, एक स्पेशल खिंचाव रखते हैं। माता पिता भाई बहन आदि तो जन्म के रिश्ते होते हैं, जो मैंने बोला कि मंगल से देखते हैं उसको, परंतु इन्हें हम स्वयं नहीं जोड़ते, हम यह हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं। वे सदैव हृदय रेखा तथा शुक्र पर्वत से देखे जाते हैं, क्योंकि जन्मजात संबंधों से विचार पूर्ण अर्थात विवेक के द्वारा रिश्ता नहीं जोड़ा जाता, ये जोड़ा जाता है मतलब खून के साथ, ब्लड के साथ। इसलिए कहा जाता है कि भाई बहन माता पिता वो हृदय के नजदीक रहते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन अलग होता है। हृदय रेखा की सहायक रेखा जो बुध पर्वत पर स्थित है अर्थात विवाह रेखा को हम विवेक पूर्ण स्वीकार करते हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो अथवा पारंपरिक विवाह हो, दोनों तरह के विवाह विवेक पर आधारित होते हैं। प्रेम विवाह का कारण भी विवेक से ओतप्रोत ही होता है, या यह बात अलग है कि हम अपने प्रेमी में किस निश्चित गुण का विचार करते हैं। सर्वप्रथम शायद हम अपने प्रेमी में सुंदरता का विचार ना करें, परंतु उसकी शिक्षा, स्वभाव, वाक्पटुता अथवा उसके सामाजिक स्तर में से किसी एक का विचार अवश्य ही करते हैं, तत्पश्चात उससे प्रेम करते हैं। प्रेम की भावना से पहले विवेक कार्य करता है, अतः विवाह रेखा को जीवन साथी का कारक माना जाता है, इसीलिए, क्योंकि वो उसको आप ना देखिए, कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो कहते नहीं अट्रैक्शन वाला, अब ऑब्वियस सी बात है, एक लड़का है तो एक लड़की को ही देखेगा, ये लड़की है तो लड़का को ही देखेगी। तो उसमें ये है कि इसमें अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर, ऑलवेज ऑपोजिट अट्रैक्ट, एक दूसरे को खींचते हैं, और इसी वजह से जो है ये विवाह की रेखा यहाँ पर विवेक के साथ, बुद्धि के साथ उसका कनेक्शन बैठता है। आपका ब्रेन परमिशन देता है तभी आप किसी को दिल से चाहते हैं, अगर आपका ब्रेन परमिशन नहीं देता तो आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तो उससे उसके साथ कभी भी दिल का रिश्ता नहीं बन सकता। अब सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, गुण धर्म पता है, विवाह रेखा के द्वारा यौन इच्छा जीवन साथी से संबंधित तथ्यों के बारे में जाना जाता है। विवाह रेखा की विभिन्न स्थितियां जाते हैं, पहला पॉइंट है पेज नंबर 173 में सबसे नीचे, यदि हथेली में केवल एक ही विवाह रेखा हो तो जातक विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होता है, कम से कम अपनी पत्नी से तो लगाव रखता है, कम आकर्षित नहीं कहेंगे, अपने पत्नी के साथ बहुत अच्छा इसका, ऐसे लोगों का लगाव रहता है। अगर एक ही विवाह रेखा और बहुत सुंदर प्रबल विवाह रेखा रहे तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रेमी जोड़े होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब कि इतने अच्छे कि बता नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, इतने अच्छे। और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अक्सर देखा गया अच्छा होता है, बशर्ते वो दूषित ना हो, बिल्कुल साफ और क्लीन। दूसरा पॉइंट है, यदि हथेली में दो विवाह रेखा हो तो जातक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, दो मतलब डिस्टेंस में रहे या आगे पीछे रहे, आगे रहे या पीछे रहे, तो इनके इनके लाइफ में दो पार्टनर्स आते हैं, एक जो छोटा होता है, छोटी रेखा होती है, वो सिचुएशन दिखाएगा कि शादी से पहले अगर मतलब लंबी रेखा वो शादी को दिखाते हैं, मतलब परमानेंट पार्टनर, और छोटी रेखाएं देती हैं दिखाती हैं टेम्पररी पार्टनर। टेम्पररी पार्टनर मतलब ये कुछ समय के लिए आती हैं ऐसे पार्टनर और फिर चले जाते। अब ये कह रहे हैं कि विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आकर्षण आकर्षण होता है, अधिक कम का कोई बात नहीं होती, किसी को अच्छा लगता है किसी का साथ, किसी को अच्छा नहीं लगता।
यदि हथेली में दो से अधिक विवाह रेखा हो तो जातक में अत्यधिक यौन आकांक्षाएं होती है। अब भैया बहुत सिंपल सा रीजन, अगर मैं यहाँ पर तीन रेखाएं कर देता हूँ तो इसका क्या होगा, इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बाहर भी इसका कोई ना कोई कनेक्शन किसी के साथ बना रहेगा। वो डिपेंड करता है कि जो जो मेन जो बड़ी रेखा है, अगर लगा तीनों रेखाएं इक्वली बड़ी हैं, एक ही साइज की हैं, तो ये तो तीनों को लेकर आराम से घूमेगा, कोई इशू नहीं होगा इसको, लड़का हो या लड़की। लेकिन कोई एक ही प्रबल है, बाकी के दो छोटे हैं, तो हमेशा ये जो है अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देगा, अपनी लाइफ जिससे अपनी इसने लीगली मैरिज किया उसको हमेशा इम्पोर्टेंस देगा, बाकी वाले बस वो फ्लर्टिशियस होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके साथ जाके फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, बट वो बस फ्लर्टिशियस वाला वो रहता है, बस बातचीत करना अच्छा लगता है, बस टाइम पास। हथेली में विवाह रेखा ना हो तो जातक विपरीत लिंग के प्रति उदासीन व्यवहार रखता है। हाँ, थोड़ा सा उदासीन होता है, एक फीमेल का मैंने देखा था हाथ में, तो उनका उनका उदासीन होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उनको थायराइड भी था। तो थायराइड मतलब हार्मोन रिलेटेड कोई भी इशू किसी का भी हो तो उसको अपने ऑपोजिट लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर विवाह रेखा नहीं है तो थायराइड ही होगा, बट उनके केस में था ऐसा। यदि हथेली में विवाह रेखा सीधी हो तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रेट विदाउट एनी टर्न, ऊपर ना ऊपर की ओर टर्न ना नीचे की ओर टर्न। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर आता है, यदि प्रारंभ में विवाह रेखा गहरी हो तथा पश्चात में धुंधली होती चली जाती है जाए तो जातक का प्रारंभिक जीवन सुखी तथा बाद में दुखद होता चला जाता है, चला जाएगा। ये थिकनेस शुरू में ज्यादा है, उसके बाद फिर हल्का होता गया, ठीक है, पतला होता जाए तब ये वाला इशू आता है। 539 सातवां पॉइंट है, यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो जाए, विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो जाए तो जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जीवन साथी कमजोर स्वास्थ्य प्रति प्रदर्शित करती है। झुकाव ये है हृदय रेखा की ओर इस तरह से नीचे की ओर इस तरह झुक जाए। अगर जीवन रेखा झुकती हो तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस या लाइफ पार्टनर होता है उनका हेल्थ इशू रहता है, अच्छा खासा हेल्थ इशू रहता है। ज्यादा जितना ज्यादा झुकाव रहेगा उतना ज्यादा हेल्थ इशू रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह होती है कि ऐसे लोगों का अपनी पत्नी या पति के साथ विचार मत, मतलब कि वैचारिक मत जो है इनका बहुत अच्छा नहीं रहता, हमेशा इनके बीच में ना वो अंडरस्टैंडिंग का कलेश होता है। सिर्फ बीमारी हो कि ऐसा शारीरिक बीमारी हो ऐसा भी नहीं, उनका अंडरस्टैंडिंग का भी इशू रहता है। विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को काट दे तो जातक के जीवन साथी की आयु कम होती है, इस तरह से कट के नीचे आ जाए तो या तो ऐसा व्यक्ति विदुर बन जाता है, अगर फीमेल है तो विधवा, अगर मेल है तो विदुर, या फिर डिवोर्स, ये डिवोर्स का भी इंडिकेशन होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी शिकायत करता है, वो आपके पास आए कि मेरा तो केस चल रहा है सर, मेरा हाथ दे के बताइए कि मेरा डिवोर्स होगा या नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है, तो ऐसे इंसान का सबसे बड़ा ये देखेंगे कि उनका डिवोर्स पक्का है, उनको सीधा आंख मूंद करके आप बोल सकते हैं क्या आपको इलाज नहीं है भैया, डिवोर्स ले लो तो ही सुखी रहोगे या रहेंगे रहोगे, लड़का या लड़की दोनों के ही कंडीशन में क्या है। हृदय रेखा को काटती हो जीवन रेखा तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये विच्छेद भी कहते हैं, दूरी, अपने जीवन साथी से दूरी होती है। यदि विवाह रेखा की कोई शाखा हृदय रेखा को काट रही हो तो जातक के विवाह में कष्ट होता है। अगर कोई शाखा इस तरह का बना है, ये है एक रेखा इस तरह से, और इसमें से कोई शाखा निकल के डाउनवर्ड इस तरह से नीचे की ओर आए और सामने वाली शाखा भी प्रबल बनी रहे, तो ये नहीं करेगा, मतलब ये
अलग नहीं करेगा, लेकिन दोनों के बीच में वाद विवाद रहेगा, या कोई एक जिसके हाथ में बना है वो नहीं, उसका उसका ऑपोजिट, अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, स्पाउस को इशू रहेगा हेल्थ, बहुत पक्का वाला हेल्थ वाला इशू रहेगा, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं होंगे, स्पाउस की सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। टूटी हुई विवाह रेखा जीवन साथी से दूरी को दर्शाती है, खंडित रह हो जाए तो कुछ समय के लिए ऐसे लोग जो है अलग अलग रहते हैं या दूर रहते हैं, जैसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ जाता है, दूसरे मतलब घर कहीं और है और काम कहीं और है, तो कई बार ऐसे लोगों को स्थिति ऐसी होती है कि फैमिली को अपनी वाइफ को घर में ही छोड़ के जाना पड़ता है और वहां पर अकेले काम करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में ये भी दिखाता है, या फिर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कुछ पर्टिकुलर समय के दौरान इनका एक वो बना रहता है, तनातनी, आपस में ईगो का इशू आ जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं झुकूंगा, वो कहती है कि मैं नहीं झुकूंगी, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वापस जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर बाद में विवाह रेखा कंटिन्यू है तो ये वापस जो है फिर से एक साथ हो जाते हैं। कनिष्ठा उंगली की ओर विवाह रेखा झुकी झुक रही हो तो जातक के जीवन साथी की आयु लंबी होती है। कनिष्ठा मतलब ऊपर की ओर उठने वाली रेखा, इस तरह से ऊपर की ओर टर्न हो जाए तो ये देता है जीवन साथी का जो आयु है वो लंबी होती है। विवाह रेखा में किसी भी प्रकार का दोष हो तो इसका प्रभाव जातक और जीवन साथी दोनों पर ही पड़ता है। जातक अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मन मुटाव रखता है, किसी भी प्रकार के दोष में क्या क्या आता है, एक ही जो आता है वो आपको ऐसा दिखेगा, कैसे मैं बताता हूँ, जैसे विवाह रेखा है, सीधा कोई रेखा इस तरह से काट दे या फिर यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, तो ये आपस में विवाद इनका चलता रहता है, हालांकि डिवोर्स नहीं होता लेकिन बनती भी नहीं है। और अगर जीवन रेखा सॉरी विवाह रेखा इस तरह से पूरा ऊपर की ओर उठ के बिल्कुल कनिष्ठा उंगली के यहां तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों का मतलब जो लाइफ पार्टनर होता है वो हाईली स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिटी के बहुत चरम पे रहता है, और इनको भी स्पिरिचुअल बना देते हैं, इनका भी शेष जीवन स्पिरिचुअल चीजों पे ज्यादा चल जाता है। विवाह के अंत में द्विमुखी हो रही हो, विवाह रेखा अंत में द्विमुखी हो रही हो तो जातक और उसके जीवन साथी के पारंपरिक संबंधों की प्रगाढ़ता में कमी आती है। सिर्फ कमी नहीं आती, मैं क्या होता मैं बताता हूँ, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल मेरे पास एक उदाहरण है, वो अब मैं उनका नाम किस नाम से सेव किया था मुझे नहीं याद है, लेकिन ये हम मुझे याद है, ऐसा ऐसी रेखा बनती है दो मुही, ठीक है, या ये सीधा यहाँ आके एक इधर और एक इधर, ऐसा ठीक है, ये वाला अगर बने तो मन मुटाव रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ चीजों पे नहीं समझेंगे, कुछ बातों पे अग्री होंगे कुछ बातों पे नहीं अग्री होंगे, यहाँ पर दोनों को भी हेल्थ इश्यू चले रह रहता है। ऐसी अगर किसी के हाथ में विवाह रेखा है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही हेल्थ इश्यू रहता है, और एक विवाह रेखा होती है उसका स्टाइल जो है कुछ इस तरीके से होता है, दोनों ही एक साथ इस तरह से निकलते हैं, एक ऊपर की और नीचे की ओर, तो इसमें ये होता है ना, ये क्या करते हैं ऐसे लोग, ये स्पेशली अगर मेल के हाथ में है, मेल के अगर हाथ में है तो ये बीवी मतलब शादी करेंगे बीवी से और साली को भी पटा लेंगे, या शादी साली से भी शादी करके दूसरा दूसरी जगह पे साली को रखेंगे, ठीक है। और अगर फीमेल के हाथ में है तो ऐसी फीमेल पति भी होगा और पति का भाई भी, भाई के साथ भी उसका इश्क चलेगा, बड़ा भयंकर ये वाला होता है, बड़ा भयंकर, बहुत कम हाथ में होता है, जिनके हाथ में होता है ये देख के आराम से आप बता सकते हैं, वो जिसको अगर ये आपने बता दिया ना, वो लड़का हो या लड़की अपना हाथ पीछे खींच लेगा, भैया इसको पता कैसे चला कि ये वाला ऐसा इशू है, शर्म से डर से कि भाई इसको पता चल गया मेरे बारे में। यदि हथेली में चौड़ी छिछली और जंजीराकार विवाह रेखा हो तो जातक का जीवन साथी प्रेम में अविश्वसनीय व्यक्ति होता है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लोगों का जीवन साथी अच्छा नहीं होता, अगर किसी के हाथ में
जंजीर नुमा बनता हो, इस तरीके से, इस तरीके से बनता हो। तो ऐसे ऐसे लोगों के जीवन साथी के ऊपर भरोसा नहीं रहता, मतलब ऐसे लोगों का जो वो होता है ना, थोड़ा सा लूज कैरेक्टर कह सकता है, ऐसा होता है। छिछला चौड़ा, चौड़ा भी, चौड़ा ही मतलब कि थिकनेस ज्यादा या ज्यादा डीप और मोटा, इस तरीके से बने, उसमें भी दिक्कत आती है। इसके बाद आते हैं विवाह रेखा, सूर्य रेखा को छू रही हो तो जातक का विवाह सौभाग्यवर्धक होता है। विवाह के पश्चात ऐसा जातक की प्रसिद्धि, मान और सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जैसे इस हाथ में सूर्य की रेखा इस तरह से बनी हुई है, और पहले सूर्य की रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं ये, और विवाह की रेखा स्ट्रेट निकल के एकदम यहां तक आ जाए। इसमें दो कंडीशन बनते हैं, या तो ऐसे लोगों की जो शादी के बाद प्रसिद्धि बनती है, नेम फेम आता है, या ये ऐसे लोगों से जाके शादी करते हैं जो ऑलरेडी फेमस है, इनका रिलेशन या कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ होता है, या शादी ऐसे लोग, ऐसे इंसान के साथ होगा जो ऑलरेडी फेमस है। और अगर ये काट के निकल जाती है इस तरह से, तो ये खत्म, ये 2 दिन का प्यार, शादी वादी करके फिर टाटा बाय बाय, वो अपने घर ही अपने घर। ये कट के अगर आगे निकल जाए, अगर टच करे तो फिर सेफ है, या बहुत अच्छी विवाह की रेखा और शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है तो ये खत्म हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे, विवाह रेखा सूर्य को काट रही हो तो जातक के विवाह के पश्चात बदनामी मिलने का योग बनता है। योग ही नहीं बनता, बदनामी होती है, कोई ना किसी चीज की वजह से बदनामी होती है और वो डिवोर्स कट हो जाता है। होता यह है कि जो इंसान फेमस होता है, ऑब्वियसली जब फेमस होता है तो उसके आगे पीछे तो बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे ना, और वो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता या स्पाउस से वो बर्दाश्त नहीं होता कि उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते हैं, तो इस वजह से ये डिवोर्स होता है। विवाह रेखा पर यदि बिंदु, क्रॉस, द्वीप आदि का चिन्ह हो तो जातक का वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। विवाह की रेखा, एक एक मेरी भतीजी है, उसके ठीक यहीं पर एक तिल है, वो वाला हाथ भी कहाँ से है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ब्लैक, एकदम इसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट इस तरह से, ठीक है। तो दिक्कत यह है, हालांकि डिवोर्स नहीं हुआ है, दो बेटियां हैं उसके, हस्बैंड भी बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके साथ बहुत अजीब सी विडंबना है, सास कहती है कि घर संभाल, घर संभाल के जो करना कर, लेकिन घर संभाल, घर में कुछ ऐसा है ही नहीं, सब कुछ है, मेड वेड सब कुछ है, फिर भी। और हस्बैंड कहता है कि तुम इतने शिक्षित हो, सब कुछ हो, तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं करते, जाओ जॉब करो या कुछ भी अपना करो, मतलब उसकी हालत इतनी है। होता यह है किसी घर में कि सास बहू के घर में बेटा फंस जाता है, इसका हो गया कि माँ बेटे के बीच में बहू फंसी हुई है, ठीक है, और ये कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। अल्टीमेटली इसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, तो वर्क फ्रॉम होम में दोनों ही कर रही है, मतलब संभाल भी रही है ये भी कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उसको प्रेशर लगता है, काम का प्रेशर तो है ही, उसके बाद हस्बैंड का भी प्रेशर और सास का भी प्रेशर, दोनों ही संभाल। इसमें कई बार झड़पें भी हो जाती है इन लोगों की, बहस झगड़ा, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी बात यह है कि कोई अलग नहीं हुआ, झगड़ा तो हर किसी घर में होता है, लेकिन ये लोग अलग नहीं हुए क्योंकि विवाह रेखा उसके आगे तक जा रही है। बिंदु क्रॉस, क्रॉस मतलब जो भी थोड़ी देर पहले बताया, इस तरह का क्रॉस बन जाए, बिंदु क्रॉस द्वीप, इस तरह का छोटा द्वीप, ये खत्म ही है। विद्वानों का मत है कि हृदय रेखा को, रेखा और विवाह रेखा के मध्य की दूरी के अनुसार जातक का विवाह कम या अधिक आयु में होता है। हृदय रेखा से विवाह रेखा जितनी दूरी होती है उतनी अधिक आयु में, और जितनी पास होती है उतनी कम आयु में जातक का विवाह होता है। अगर कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के ठीक मध्य में विवाह रेखा हो तो जातक का विवाह 30 साल की आयु में होता है। जातक, जातक और जातिका में फर्क है, फीमेल में। अगर यहाँ पर है, सॉरी,
अगर यहाँ पर जो बना हुआ है इस जगह पर है, अगर मेल के हाथ में है तो 30 साल में होगी, अगर फीमेल के हाथ में है तो 25वें साल में, 25 ईयर्स, 5 साल का डिफरेंस आता है। अगर इसके बाद आता है यहाँ पर तो मेल में अराउंड 40 के आसपास, फीमेल में 35 के आसपास। अगर उससे पहले यहाँ पर होता है तो मेल में 25 साल में, फीमेल में 20वें साल में, ठीक है। मोटा मोटा अगर पकड़ ले तो यहां से जो यहां तक की जो दूरी है ये फीमेल्स में 20 साल से लेकर, और भी पहले हो तो और भी, मतलब आप 18 साल का पकड़े चलो, वैसे तो 15 साल भी देखते हैं, 18 साल से लेकर अराउंड 45 तक, और